नाम केंद्र में तमाम व्यवस्था करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की दावों की उस वक्त पोल खुल गई जहां मतदान के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर मतदाता आक्रोशित दिखे। पूरा मामला आरंग क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला उमरिया के बूथ क्रमांक 199 का है, जहां घंट धूप में मतदाता लाइन में खड़े रहे। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। मतदाताओं ने कहा कि बच्चों का लाना हमारी मजबूरी है, लेकिन धूप में बच्चों का हाल बेहाल हो गया। इन सभी समस्याओं से परेशान है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता सत्या राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्या, अव्यवस्थाओं को लेकर काफी परेशानियां देखने को मिली, लोगों ने शिकायतें भी की, किस तरीके की समस्याएं ज्यादा आई? जी देखिए कि ये समस्या कहीं कम नहीं था, बहुत ही ज्यादा समस्याओं का मतदाताओं को सामना करना पड़ा है। जैसे कि बात करें कि निर्वाचन आयोग दावा किया था कि हमने मतदाता के लिए पीने की पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था, कुर्सी चेयर और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करने के उन्होंने दावा किया था, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही देखने को मिला। उस दौरान वहां पे लोग कड़ी धूप में घंटों दो घंटे वहां पे कड़ी धूप में खड़े रहे। छोटे छोटे बच्चे, साल दो साल के बच्चे थे, उनको लेकर वो धूप में खड़े रहे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। उनके गाँव में इतनी समस्या है कि वो चाहते थे कि जो नया जनप्रतिनिधि आए वो समस्याओं को उनको निजात दिला सकते हैं, जैसे सड़क की समस्या, बरसात के दिनों में कीचड़ की समस्या और इस तरह के मूलभूत की जो समस्याएं हैं, योजनाओं का जो उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उन सबसे वो परेशान होकर बढ़ चढ़ के लिए मतदान करने के लिए वहां पहुंचे। जब वो मतदान केंद्र पहुंचे वहां अव्यवस्थाओं से वो तंग आ गए। तंग आकर उन्होंने सवाल जवाब किया तो भी उनको कोई जवाब नहीं रहा। अंततः वो मजबूर होकर मतदान करने के लिए दो घंटे तीन घंटे तक वो मतदान केंद्र में रहे। तो वही हम दूसरी ओर की बात करें तो यहाँ कई बड़े बड़े जो लापरवाहियां सामने आई हैं, एक है जो प्रत्याशी का नाम ही बदल दिया गया था, सीधा सीधा उनका जो जो मतदान चिन्ह है उसमें बदलाव कर दिया गया था। जब वो दो महीने से किसी अन्य छाप अन्य चिन्ह पे उन्हें प्रचार किया और जब वो मतदान केंद्र पहुंचे तो उनके जो छाप है, जो उनका चिन्ह है वो बदल गया था। तो इससे जो हंगामा भी हुआ, प्रत्याशी ने विरोध दर्ज कराया, मतदाताओं ने भी विरोध किया खुलकर, तो बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। बल्कि प्रत्याशी को चेतावनी दी गई कि आप अगर इसमें हंगामा करते हैं या कुछ विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह के तमाम बड़े लापरवाहियां सामने आई हैं, उनके बावजूद भी मतदान हुआ है और लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। फिलहाल अभी आंकड़ा की बात करें तो आंकड़ा जो है 3 बजे तक की आंकड़ा की बात पढ़े तो 65% पूरे प्रदेश में मतदान हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तुम्हारी जानकारी के लिए सत्या।